नमस्कार, एक बड़ी घटना सामने आ रही है। सिवड़ी स्टेशन पर एक दृष्टिहीन महिला की लोकल ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह ट्रेन में दो बोगियों के बीच से पटरियों पर गिर गई थी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना करीब 4:30 बजे हुई, जब महिला और उसका पति दोनों मुंबई CST जाने वाली लोकल ट्रेन से सिवड़ी स्टेशन पर उतरे। मिली जानकारी के अनुसार महिला उसके पति दोनों देख नहीं सकते थे। महिला भिक्षा मांगकर गुजर करती थी। उन्होंने बताया कि दंपति तेजी से एक बोगी से दूसरी बोगी में जा रहे थे, तभी महिला दोनों बोगियों के बीच गिर गई। इससे पहले कोई महिला की मदद कर पाता, लेकिन ट्रेन चल दी और महिला पहियों के नीचे आ गई। अधिकारियों ने बताया कि महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। ये तो महिला दृष्टिहीन थी, लेकिन कई लोग जल्दीबाजी के चक्कर में भी ऐसे जान गंवाते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। मुंबई वास की सभी ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।